हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है राज रसोई में। आज हम बनाएंगे घर पर टेस्टी और हेल्दी ब्रेड बर्गर। इस बर्गर को बनाना बहुत ही आसान है। जब भी आपको छोटी मोटी भूख लगे तो आप इस बर्गर को बनाकर खा सकते हो। तो चलो फिर बनाना शुरू करते हैं। तो ब्रेड बर्गर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ब्रेड की स्लाइस ली है, दो उबले हुए आलू जिनको कद्दूकस कर लिया है, और दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च और एक इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, और एक बड़े साइज की प्याज, प्याज को भी काट लिया है। तो अब इन सब चीजों को एक बड़े मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे, क्योंकि बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम टिक्की बना के तैयार करेंगे। तो पहले मसाला बना लेते हैं, और अब डालेंगे सूखे मसाले। तो सूखे मसालों में आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, दो चुटकी हल्दी का पाउडर, और आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच से भी कम गरम मसाला डालेंगे। आधा चम्मच भुना जीरा का पाउडर डालेंगे, और दो चम्मच बाइंडिंग के लिए सूजी डालेंगे। हम यहाँ पर एक साथ सूजी नहीं डालेंगे, पहले इसको अच्छे से मिक्स करके देखेंगे, अगर कम रहेगी तो सूजी इसमें और डालेंगे। तो सूजी इसमें कम है, तो मैं यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच सूजी और डाल रही हूँ, और इसको मिला लेंगे। तो टिक्की बनाने के लिए मसाला मैंने अच्छे से तैयार कर लिया है। तो मसाला को थोड़ी देर ढककर रख देते हैं, तब तक हम ब्रेड को काट लेते हैं। तो एक ब्रेड की स्लाइस लेंगे, और स्लाइस को गोल शेप देने के लिए यहाँ पर मैं एक कटोरी ले रही हूँ। तो कटोरी से इस तरीके से दबाकर इसको शेप दे देंगे, और ब्रेड के एक्स्ट्रा पार्ट को हटा देंगे। तो इस तरीके से सारी ब्रेड की स्लाइस को काट के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर सारी ब्रेड काट ली है, तो स्टफिंग को रखे हुए भी 5 मिनट हो गए हैं। तो इसके ऊपर 1 चम्मच घी लगाएंगे और इसको अच्छे से मसल लेंगे। तो मसाला हमारा टिक्की बनाने के लिए तैयार है। तो हाथ पर हल्का सा घी लगा लेंगे, ताकि जो मसाला है हथेली पर चिपके न। तो थोड़ा सा स्टफिंग हाथ पर लेंगे, और इस तरीके से एक बोल बनाकर उसको टिक्की का शेप दे देंगे। तो इसी तरीके से सारी टिक्की बना के तैयार कर ली है। तो अब टिक्की को फ्राई कर लेते हैं। तो टिक्की को फ्राई करने के लिए मैंने एक तवा लिया है, तवा के ऊपर 2 से 3 चम्मच तेल डाल दिया है, और तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो इस तरीके से एक एक टिक्की डाल के टिक्की को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और गैस की फ्लेम को यहाँ पर मीडियम टू लो रखा है, और टिक्की को हल्के हाथ से चम्मच की सहायता से इस तरीके से पलट देंगे। और टिक्की को दूसरी साइड से भी 5 मिनट के लिए फ्राई होने देते हैं। तो टिक्की हमारी दोनों साइड से फ्राई हो गई है। तो अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, और टिक्की को निकाल लेते हैं। तो उसी तवा को क्लीन करके ले लिया है। तो तवा के ऊपर थोड़ा सा बटर डालेंगे, और बटर को चम्मच से अच्छे से फैला देंगे, और ब्रेड की स्लाइस लेंगे, और तवा के ऊपर हल्का हल्का चलाते हुए क्रिस्पी कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर 4 ब्रेड की स्लाइस को एक साथ क्रिस्पी कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो 1 ब्रेड या 2 ब्रेड को क्रिस्पी कर सकते हो। तो ब्रेड हमारी एक साइड से क्रिस्पी हो गई है, तो ब्रेड को दूसरी साइड से भी पलट कर क्रिस्पी कर लेंगे। तो यहाँ पर ब्रेड हमारी दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो गई है, तो ब्रेड की स्लाइस को निकाल लेते हैं, और सेम प्रोसेस से मैंने सारे ब्रेड की स्लाइस को क्रिस्पी कर लिया है। तो अब ब्रेड बर्गर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, प्याज को गोल स्लाइस में काट लिया है, और 2 ही टमाटर लिए हैं, टमाटर को भी गोल स्लाइस में कट कर लिया है। और अब ब्रेड की स्लाइस लेंगे, और ब्रेड की स्लाइस के ऊपर बटर लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पर सारे ब्रेड के ऊपर बटर लगा लिया है, और अब मैं ब्रेड की स्लाइस के ऊपर चटनी लगा रही हूँ। ये इमली की खट्टी मीठी चटनी है। अगर आपके पास हरी चटनी है तो आप हरी चटनी भी लगा सकती हो। तो अब ब्रेड की स्लाइस को एक प्लेट में रख लिया है, और ब्रेड के ऊपर जो टिक्की हमने बना के तैयार की थी वो टिक्की लगा देंगे, और टिक्की को इस तरीके से हल्का हल्का तोड़ के ब्रेड के ऊपर फैला देंगे, ताकि जब हम प्याज टमाटर रखें तो प्याज टमाटर हमारे अच्छे से टिक्की के ऊपर सेट हो जाए। तो अब इसके ऊपर प्याज की स्लाइस इस तरीके से लगा देंगे। तो सारे प्याज के स्लाइस लगा दिए हैं, तो प्याज के ऊपर टमाटर के स्लाइस भी रख दिए हैं।
उसके ऊपर हल्का सा काली मिर्ची का पाउडर डाल देंगे और हल्का सा काला नमक डालेंगे और थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला डालने से इसमें चटपटा टेस्ट आएगा। तो अब बर्गर को ब्रेड की स्लाइस से कवर कर देंगे और अच्छे से दबा देंगे ताकि जो स्टफिंग है वो बाहर ना निकले। तो फ्रेंड्स, ब्रेड बर्गर बनके हमारे तैयार हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और फटाफट से बनने वाली रेसिपी है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएंगे और बहुत ही कम टाइम में ये रेसिपी बन जाती है। तो अगर आपका भी मन करे तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को फटाफट से बनाकर इंजॉय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक करें, और मेरे चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।